Morning. Welcome to our simple study classes. So today we are going to start our chapter 4 of class 8, material, that is metal and non-metal. तो further हम लोग को पता है कि जो हमारे environment में present है सारा चीज़ उसको हम लोग material के नाम से जानते हैं, ठीक है? तो और इसको जो divide किया गया है, इसको main parts में वो metal और non-metal में डिवाइड किया गया है। तो फर्दर हम मेटल और नॉन मेटल को पहचानेंगे कैसे? तो इसके पहचानने के लिए जो है इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं, ठीक है? तो आज हम उसी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम मेटल और नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले एक एक्टिविटी करना होगा। तो एक्टिविटी करने के लिए आपको क्या करना होगा कि एक आयरन नेल, कोल पीसेस और एल्युमिनियम वायर को लेना होगा, थिन एल्युमिनियम वायर को लेना होगा और उसको बीट करना होगा हैमर से। फिर उसके बाद आप एक्सपेरिमेंट से आपने आप क्या देखेंगे कि मतलब कि आपने जो हैमर वायर को हैमर से जो मतलब आयरन नेल, एल्युमिनियम वायर और मतलब कि आपने जो कोल पीसेस को लिया था उसको बीट करने के बाद आयरन नेल जो होगा आपका आयरन नेल और एल्युमिनियम वायर जो है वो चेंज हो जाएगा बीट करने के बाद, ठीक है? आफ्टर बीटिंग, बीटिंग के बाद क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इफ़ द बीटन हार्डर दिस वुड बी चेंज इनटू ए सीट, और बहुत ज़्यादा हार्ड तरीके से अगर आप इसको बीट करेंगे तो ये सीट में चेंज हो जाएगा, यू माइट। तो फिर उसके बाद आप जो है एक सिल्वर फॉयल को भी आपने अपने घरों में यूज़ किया होगा, तो आपने इमेजिन किया है कभी कि ये सिल्वर को कितना ज़्यादा मतलब थीन सीट में भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, डेकोरेटिंग स्वीट्स करने के लिए यूज़ करते हैं। तो आप लोग ये सोचिए कि हम लोग कोई भी मैटर का एक फॉयल के फॉर्म में अगर चेंज कर ले रहे हैं तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग मैलेबिलिटी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ से मैलेबिलिटी का डेफिनेशन मिल जा रहा है कि द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच कैन बी बीटन इनटू ए थिन सीट इज कॉल्ड मैलेबिलिटी। मतलब कोई भी मेटल जिससे कि हम उसको बीट करने के बाद उसको थिन सीट में चेंज कर दें तो उसको हम लोग उस प्रॉपर्टीज़ को हम लोग मैलेबिलिटी ऑफ द मेटल बोलते हैं। तो फर्दर तो फिर आप लोगों ने अपने घर में बहुत सारा यूटेंसिल्स तो यूज़ करते ही होंगे, तो आपने ये देखा होगा कि यूटेंसिल्स में हैंडल होते हैं, उसको इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि हम उस प्रोटेक्ट यू फ्रॉम बीइंग हर्ट वाइल हैंडलिंग अ हॉट थिंग्स। मतलब इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि आप जब कभी भी उस गर्म बर्तन को पकड़ें या फिर उसको कुकिंग के लिए यूज़ करें तो वो गर्म जाता है। तो गर्म बर्तन को आप जब पकड़ें तो उस थिंग से आपको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है उस हैंडल का प्लास्टिक हैंडल या वुडन हैंडल का यूज़ किया जाता है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो मेटल जो होता है वो कंडक्शन भी करता है, ठीक है? और ये प्लास्टिक और ये वुड जो होता है ये इसमें कंडक्शन प्रोसेस नहीं होता है। तो अब उसके बाद आपने इलेक्ट्रीशियन को देखा होगा कि एक स्क्रू ड्राइवर लेके आते हैं और उनके हैंडल जो होते हैं वो प्लास्टिक्स के होते हैं, तो क्यों? तो मेटल में एक और प्रॉपर्टीज़ होता है, वो होता है कंडक्टिविटी। यहाँ पर तो आपने हीट को जो कंडक्ट करता है उसको हम लोग कंडक्शन प्रोसेस बोलते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी की अगर प्रॉपर्टीज़ कंडक्शन की होती है तो उसको हम लोग कंडक्शन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है? कंडक्टिविटी बोलते हैं कि उस मटेरियल के अंदर एक प्रॉपर्टीज और हो गया, वो कंडक्टिविटी हो गया, ठीक है? तो ये देखिए आप लोग जब इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर लेंगे कि यहाँ पे आपको इस एक्टिविटी में बेसिकली एक सिंपल सी चीज़ बताई गई है कि मतलब आपको एक बैटरी लेना है और कुछ वायर्स लेने हैं और उसको उस वायर्स को बैटरी के पॉजिटिव से एक बल्ब में अटैच करना है और बैटरी के निगेटिव से जो है आपको एक वायर को कनेक्ट करके बस रखना है और दूसरे वायर के बैटरी मतलब बल्ब के पॉजिटिव से कनेक्ट करके आपको रखना है, उसके बीच में कुछ चीज़ों को आपको जोड़ना है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको आयरन नेल को जोड़ना है, फिर सल्फर को जोड़ना है, फिर कोल पीसेस को जोड़ना और फिर कॉपर वायर को उसके बीच में रख के ऐड करना है। तो उसके बाद आप क्या देखेंगे कि जब आप आयरन नेल को अटैच करेंगे उसके साथ तो आप देखेंगे कि हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है, पर आप जैसे ही सल्फ़र को या फिर आप कोल यहाँ पे आप सल्फ़र को या फिर कोल पीसेस को रखेंगे तो ये आपका बल्ब जो है ये ग्लो
नहीं करेगा, ये बल्ब आपका ग्लो नहीं करेगा। और जब आप मतलब इसके अंदर यहाँ पे आयरन नेल या फिर कॉपर वायर का यूज करेंगे तो आपका बल्ब क्या होगा, ग्लो करेगा। तो फर्दर हम ये चीज़ देखते हैं, यहाँ से हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि जो कॉपर वायर और आयरन नेल जो था वो हमारा गुड कंडक्टर था। क्या था? गुड कंडक्टर था। वाइल जबकि रोल्ड सर्फल पीसेस और कोल पीसेस जो थे ये पुअर कंडक्टर थे, मतलब इसमें जो कंडक्टिविटी की मतलब प्रॉपर्टीज़ है वो नहीं थी। तो अब हम यहाँ पे ये चीज़ देखते हैं कि द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल विच हैव ए ड्रॉन आउट इन टू ए वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। मतलब एक और प्रॉपर्टीज आपको मिल गया कि वो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल जिसको जिससे कि हम लोग वायर बना सकते हैं उस प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। ठीक है, डक्टिलिटी बोलते हैं। तो अब हम दूसरा प्रोसेस पे चलते हैं। तो आप लोगों ने एक और प्रॉपर्टीज़ को देखा होगा कि देखिए जो मेटल यहाँ पे दिस थिंग्स द मेड अप ऑफ मेटल प्रोड्यूस साउंड रिंगिंग व्हेन स्ट्रक्स हार्ड। आप लोगों ने ये तो एक सिंपल सा मतलब कि एक्टिविटी है और पता होगा आप लोगों को कि कोई भी मेटल को जब हम किसी एक हार्ड चीज़ से स्टक हार्ड चीज़ से या फिर उसको हीट करते हैं तो उसमें से एक साउंड निकलता है, तो उस प्रॉपर्टीज़ को हम लोग सोनडस प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आपका एक और प्रॉपर्टीज मिल गया, द मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड दे सेड टू बी सोनडस। मतलब कि जो मेटल रिंगिंग करने के बाद मतलब हीट करने के बाद एक दूसरे के साथ साउंड को प्रोड्यूस करता है तो उसको हम लोग सोनडस प्रॉपर्टी बोल देते हैं। तो विद दिस मटेरियल आर देन मेटल आर नॉट सोनरस। मतलब जो नॉन मेटल होते हैं वो सोनरस नहीं होते हैं। ठीक है, हम लोगों ने इतना जो प्रॉपर्टीज अभी आगे फिजिकल एक्टिविटी करके जो एक साथ किया तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये एक हार्ड होता है, लसरस होता है, मैलेबल होता है, डक्टाइल होता है, सोनरस होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हीट इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, तो मटेरियल जो होते हैं ये सारे प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हैं। तो द एग्जांपल ऑफ मेटल, तो फिर द मटेरियल विच जनरली प्रोसेस दिस प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड मेटल। अगर आपको एक मेटल का डेफिनेशन पूछा जाए तो आप इस तरह से बोल सकते हैं द मटेरियल विच इज़ हार्ड लसरस मैलेबल डक्टाइल सोनरस गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर सेड टू बी मेटल। ठीक है, तो आपको एक यहाँ से मतलब एक अच्छा खासा फुल डिफाइंड डेफिनेशन मिल जाता है। तो फिर हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं मेटल का। तो मेटल का एग्जांपल क्या हो जाएगा, आयरन कॉपर एल्युमिनियम कैल्शियम और मैग्नीशियम और बहुत सारे मेटल होते हैं ईटीसी। द मटेरियल लाइक कोल एंड सल्फर आर सॉफ्ट एंड डल अपीयरेंस। कोल और सल्फर जो होते हैं ये सॉफ्ट और डल अपीयरेंस के होते हैं और इसको जो है बहुत जल्दी हम लोग ब्रेक डाउन करके हैमर से पाउडर फॉर्म में ला सकते हैं। और ये जो होते हैं सोनरस भी नहीं होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दे आर नॉट सोनरस एंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और ये सारे जो होते हैं ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। तो ये सारे प्रॉपर्टी जिसमें होंगे वो नॉन मेटल कहलाएंगे। तो आपको यहाँ से नॉन मेटल का भी डिफिनेशन मिल जाता है। द नॉन मेटल इज डिफाइंड एज इन विच व्हेन इट इज ब्रेक विथ हाई हमर्स देन इट इज फॉर्म्ड इन पाउडर फॉर्म दे हैव नो लसरस दे हैव नो सोनरस प्रॉपर्टी दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी देन इट इज सेड टू बी नॉन मेटल। तो एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल क्या क्या हो जाता है, सल्फर कार्बन ऑक्सीजन फॉस्फोरस, ये सारा एग्जाम्पल जो ये नॉन मेटल का हो जाता है। तो ये देखिए अब इसमें से ये आपके मतलब कि एक्सेप्शनल के बारे में बताया गया है कि मतलब कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको मैं पढ़ के सुना रही हूँ, द मेटल लाइक सोडियम एंड पोटासियम आर सॉफ्ट दे कैन बी कट विथ नाइफ। मरकरी इज ओनली द मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट अ रूम टेम्परेचर। देखिए जनरली जितने भी मेटल होते हैं वो हार्ड होते हैं लेकिन
सोडियम और पोटासियम जो होता है ये सॉफ्ट होता है, ठीक है। ये मेटल तो होता है लेकिन ये सॉफ्ट होता है, और इतना सॉफ्ट होता है कि इसको हम लोग अपने नाइफ से भी काट सकते हैं। तो ये मेटल के एक्सेप्शनल में आ गया, ठीक है। ये मेटल के एक्सेप्शनल में आ गया कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि नेम द टू मेटल विच आर सॉफ्ट एंड कट विथ नाइफ, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, आप उसमें से दो ही नाम दीजिएगा, सोडियम और पोटासियम, ठीक है। और फिर मेटल जो जनरली होते हैं वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है, वो भी रूम टेम्परेचर पे। तो ये क्या हो गया, एक्सेप्शंस हो गया, ठीक है। अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में चलते हैं, मेटल और नॉन मेटल में चलते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि आखिर जब मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, ठीक है। तो आपने अपने घर में देखा होगा कि कोई भी आयरन का प्रोडक्ट को जब हम ऐसे ही खुले हवा में छोड़ देते हैं तो उसमें क्या होता है कि कुछ रेड रेड टाइप का एक लेयर बन जाता है, ठीक है। तो वो लेयर को हम लोग रस्ट बोलते हैं, ठीक है। और फिर उस रस्ट को जब हम मतलब एक एक्सपेरिमेंट के प्रोसेस से अगर आप एक मतलब ट्यूब्स में कलेक्ट कर लीजिए और फिर उसको वाटर मिक्स करके और उसको जब आप लिटमस पेपर से देखेंगे तो क्या होगा कि लेयर लिटमस पेपर जो है वो ब्लू चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो फर्दर आपको इस एक्सपेरिमेंट से क्या ऑब्जर्व करेंगे आप कि मतलब जो भी मतलब एक्टिविटी ऑफ बर्निंग रिवन टेस्टेड इन अ सॉल्यूशन, तो फिर आपका ये क्या होगा, रेड लिटमस जो है ये ब्लू में चेंज हो जाएगा। द ऑक्साइड फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम इज बेसिक इन नेचर। तो हम लोगों ने ये चीज़ क्या देखा कि मतलब जो भी मेटल का ऑक्साइड होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। जब कोई भी लिटमस पेपर जो है हमारा रेड टू ब्लू में चेंज होता है, आप लोगों ने क्लास 7 में ही पढ़ा होगा कि जब कोई लिटमस पेपर हमारा रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस में चेंज हो जाता है तो वो आपका बेसिक होता है, ठीक है। तो ये देखिए, आपको एक कॉपर वेसल का भी आपके सामने एक एग्जांपल रखा गया है। आपको सबके घरों में कॉपर वेसल्स प्रेजेंट होते ही, तो कॉपर वेसल्स को आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप कभी उसको मतलब कि उसमें मतलब ऐसे ही छोड़ देते हो मतलब इन्वायरमेंट में फ्री एयर में, तो आप क्या देखते हैं कि उसमें ग्रीन कोटिंग टाइप का कुछ हो जाता है, ठीक है। वो ग्रीन कोटेड मटेरियल जो होता है वो कॉपर हाइड्रोक्साइड का एक लेयर होता है, ठीक है। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड फॉर्म कैसे होता है, तो जब हमारा 2Cu+H2O मिल के CO2+ oxygen, ठीक है, ये सब कुछ मिल के क्या बनाता है, CuOH2+CuCO3, मतलब कि मॉइस्ट एयर, मतलब कि जो हमारा इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है विथ ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, तो उसमें क्या होता है कि टू कॉपर प्लस हाइड्रोजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ये सब कुछ मिक्स होके हमारा फॉर्म करता है CuOH2, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और फिर एक और प्रोडक्ट बनता है, वो होता है CuCO3, कॉपर कार्बोनेट। यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ है कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। दो कंपाउंड बनता है, वो बनता है कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। और ये इसका जो नेचर होता है, हम लोगों ने अभी टेस्ट किया कि आयरन के रस्ट को चेक करें या फिर इसके कंपाउंड को चेक करें, ये सारा कुछ जो होगा वो हमारा बेसिक इन नेचर होगा। और एक सबसे कॉमन सा आप लोग घर मतलब कि अपने लैब में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, मैग्नीशियम रिवन वाला। तो जब आप मैग्नीशियम रिवन को टेस्ट करेंगे, वाटर मैग्नीशियम के को जब आप ऑक्सीजन के साथ बंट करेंगे और फिर जब आप लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे, तो वो भी आपका जो मतलब टेस्ट आएगा वो बेसिक इन नेचर ही आएगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं, हमारा ये सबसे बड़ा कंक्लूजन है कि मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। ये आपको मतलब क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मेटल के ऑक्साइड किस टाइप के नेचर के होते हैं, तो आप यहाँ पे आंसर देंगे बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। ये फर्दर एक एक्टिविटी दिया गया, तो मैं आपको ये एक्टिविटी समझाती हूँ।
देखिए इसमें किया किया ये गया है कि आपको एक सल्फर को जो है वो बंद किया गया है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद फिर उस सल्फर को जो है वाटर के साथ मिक्स करके लिटमस पेपर के साथ टेस्ट किया गया। तो ये टेस्ट करने के बाद क्या हो गया कि ये मतलब कि देखा गया कि ये ब्लू लिटमस पेपर जो था वो रेड में चेंज हो गया, ठीक है। तो इस फर्दर एक्सपेरिमेंट से हम लोगों ने क्या देखा कि व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व इन वाटर इन सल्फरस एसिड इज फॉर्म्ड, मतलब जब कभी भी हम लोग सल्फर इन द सेंस अगर हम सल्फर को देखें तो सल्फर एक हमारा नॉन मेटल है, ठीक है। तो जब हम नॉन मेटल को जो है वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, सल्फर एसिड फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसका फर्दर रिएक्शन देखते हैं, तो ये देखिए सल्फर ऑक्साइड प्लस वाटर को हम लोग मिला तो क्या बन गया, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 बन गया, ठीक है। और ये एसिड जो है ये क्या, जब हम लोगों ने लिटमस से टेस्ट किया था पहले एक्सपेरिमेंट में, तो ये ब्लू लिटमस जो था वो रेड लिटमस पेपर में चेंज हो गया था। तो हम लोग जनरली क्या कह सकते हैं, ये हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल जो होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं और मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, ये हमने अभी तुरंत पढ़ा है, ठीक है। तो अब हम फर्दर देखते हैं रिएक्शन विथ वाटर। तो कोई भी चीज़ ना मेटल और नॉन मेटल जो अगर वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो क्या फॉर्म करता है, तो सोडियम जो होता है, सोडियम मेटल जो होता है वो वेरी रिएक्टिव इन नेचर होता है, मतलब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। और ये जो होता है ये ऑक्सीजन के साथ बहुत मतलब कि तेज़ी से रिएक्ट करता है और वाटर के साथ, तो लॉट ऑफ हीट जनरेटेड इन रिएक्शन देयरफॉर इट इज स्टोर इन केरोसिन, मतलब कि सोडियम को हम लोग, ये जो होता है बहुत रिएक्टिव मेटल होता है और ये ऑक्सीजन और वाटर के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है, इसीलिए हम लोग इसको केरोसिन में रखते हैं। ये आपको एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट, आपको फर्दर आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाई डिड सोडियम मेटल इज कैप्ट इन केरोसिन, तो आपको यहाँ पे आंसर देना होगा सोडियम मेटल आर वेरी रिएक्टिव, इट्स रिएक्ट विगरसली विथ ऑक्सीजन एंड वाटर सो डैट इट इज कैप्ट इन केरोसिन। ये चीज़ आपसे आगे फर्दर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो फिर ये एक्सपेरिमेंट जो है वो ये वाटर के साथ रिएक्ट कराया गया, तो फर्दर हम लोगों ने ऑब्जर्व किया क्या कि सोडियम जो है वो वाटर के साथ बहुत विगरसली मतलब बहुत तेज़ी से रिएक्ट कर गया। सम अदर मेटल डू नॉट सो, मतलब कि कुछ ऐसे मेटल नहीं रिएक्ट करते, तो आयरन रिएक्ट विथ वाटर स्लोली, और आयरन जो है वो वाटर के साथ बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करता है। मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, नॉन मेटल जो था वो बिल्कुल भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर, ये जो होता है कि एयर के साथ रिएक्ट कर सकता है। सो नॉन मेटल आर स्टोर इन वाटर, इसलिए नॉन मेटल को ज़्यादातर जो होता है वो हम लोग वाटर में ही स्टोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस इज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, फॉस्फोरस जो होता है ये वेरी रिएक्टिव है और ये क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। तो इट कैचेस फायर इफ एक्सपोज इन एयर, और अगर इसको हम लोग एयर में एक्सपोज कर दें, मतलब बाहर इसको अगर एक्सपोज कर दें, तो ये एयर के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाएगा। तो इसलिए जो है फॉस्फोरस को हम लोग विथ एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन, तो इसीलिए हम लोग फॉस्फोरस को वाटर में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो मेटल का हमने एक एग्जांपल देखा कि सोडियम को हम लोग केरोसिन में स्टोर करके देखते हैं रखते हैं क्योंकि वो एयर के साथ बहुत ज़्यादा जल्दी रिएक्ट कर जाता है, और फॉस्फोरस एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि हमारे एयर के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है, इसीलिए इस रिएक्शन को रोकने के लिए हम लोग इसको वाटर में स्टोर करते हैं। तो फर्दर हम लोग रिएक्शन विथ एसिड पढ़ते हैं, तो हम लोग ये रिएक्शन विथ एसिड को आगे देखते हैं क्या होता। तो ये देखिए बर्निंग मैच स्टिक्स इज बाउट टू बी नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब्स, इट फाउंड टू बी नॉन मेटल, जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड बट मेटल रिएक्ट विद एसिड एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एंड बर्न्स विद पॉप अप साउंड, मतलब कि आप जब जब मतलब कि हमने वो मैग्नीशियम और मैग्नीशियम रिवन वाला एक्सपेरिमेंट किया किया था, तो नॉन मेटल जो होते हैं वो जो होते हैं डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, मतलब ये एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, पर मेटल जो होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और वो प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन गैस और बर्न्स विथ पॉप अप साउंड,
और बंस होते हैं पॉपअप साउंड के साथ, ठीक है। तो जब आपने नोटिस किया हो कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम लोग हीट करते हैं, इट्स रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो फिर क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये पॉपअप साउंड देता है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं एक कंक्लूजन के साथ कि मेटल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि जब हम किसी मेटल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते तो कौन सा गैस रिलीज होता है, तो आप यहाँ पे देंगे आंसर कि हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन विथ नॉन मेटल विथ बेसेस आर कॉम्प्लेक्स, मतलब जब हम लोग किसी नॉन मेटल को बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो फर्दर अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से ही लग रहा है कि वो ये रिएक्शन में क्या होता होगा कि कोई मेटल जो है किसी मेटल को डिस्प्लेस करके फिर वो उसके साथ जाके रिएक्ट करता होगा, ठीक है। तो ये फर्दर हम लोग एग्जाम्पल ने देख लिया। ये देखिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, जब हम लोग कॉपर सल्फेट को जो है वो जिंक के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये हमारा क्या बनता है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बनता है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि CuSO4 प्लस Zn को हम लोगों ने जब रिएक्ट करवाया तो ये देखिए Cu को रिप्लेस करके ये ZnSO4 बन गया और Cu जो है वो बाहर निकल गया। तो इससे हम लोगों ने देखा कि मतलब कि ये Zn मतलब जिंक ने जो है ये कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए ये डिस्प्लेस कर दिया, तो यही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल। तो फर्दर हम लोग देखते हैं कि यूज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, हम लोग का मेटल एंड नॉन मेटल का कहाँ पे यूज़ है, हम लोग इस चीज़ का यूज़ कहाँ पे करते हैं। तो हम लोग मशीनरी में, ऑटोमोबाइल्स में, एरोप्लेन्स में, ट्रेन में, सैटेलाइट में, इंडस्ट्रियल गैजेट में, कुकिंग में, यूटेंसिल्स में, वाटर बॉयलर इटीसी, बहुत से चीज़ों में मेटल का यूज़ करते हैं। यह तो हम सिंपल अपने वर्ड्स में कह लें कि विदाउट मेटल वी कांट में इमेजिन आवर अर्थ, ठीक है। मेटल के बिना अर्थ को इमेजिन करना ही इम्पॉसिबल है, मतलब क्या आप बिना मेटल के रह सकते हो। आप सिंपल से एक चीज़ सोचो, जिस चीज़ को आप अभी फर्दर जिस चीज़ में स्टडी कर रहे हो उसमें भी आपका बहुत सारा कंपाउंड जो है वो मेटल से ही बना हुआ है, तो आप ये कह सकते हो कि विदाउट मेटल जो है इसके हम लोग मतलब अपने इन्वायरमेंट को या फिर अपने अर्थ को इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हम लोग नॉन मेटल के बारे में जानते हैं। नॉन मेटल इज इसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच आर लिविंग बींग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग। नॉन मेटल जो है ये भी एक इसेंशियल पार्ट ऑफ हमारा लाइफ है, लिविंग बींग्स है, जिससे कि हम लोग अभी इनहेल कर रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन O2। O2 क्या है, ये नॉन मेटल है और हम लोग को ये लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये हमारे लिए एक लाइफ बींग्स, हर एक लाइफ ह्यूमन बींग्स के लिए ज़रूरी है और एनिमल्स के लिए भी। नॉन मेटल आर यूज इन फर्टिलाइजर टू इनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। नॉन मेटल जो है ये फर्टिलाइजर के लिए भी यूज़ किया जाता है और प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। नॉन मेटल यूज्ड इन वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस, नॉन मेटल को हम लोग वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस के लिए भी यूज़ करते हैं। नॉन मेटल यूज्ड इन पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन विच इज अप्लाइड इन वुड्स ऑफ एन एंटीसेप्टिक। नॉन मेटल को जो है एक पर्पल कलर टाइप ऑफ सॉल्यूशन होता है वो हम किसी वुड्स पे अगर अप्लाई कर दें तो वो एक एंटीसेप्टिक का काम भी करता है। नॉन मेटल इज यूज्ड एज अ क्रैकर, हम लोग जो पटाखा जलाते हैं उसमें भी नॉन मेटल का ही यूज़ होता है। तो हम लोगों ने ये चीज़ देखा। फिर आप लोगों ने क्लास 7 में जो है आप लोगों ने केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा होगा और आपने ये देखा होगा कि इसमें से न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो इफ़ द सब्सटेंस कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर बाय द केमिकल रिएक्शन बाय द कूलिंग हीटिंग और इलेक्ट्रोलाइटिस इट इज़ सेड टू बी द एलिमेंट। मतलब अगर कोई सब्सटेंस जो है उसको हम लोग किसी भी प्रोसेस से ब्रेक डाउन नहीं कर पाते हैं तो उसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। तो सल्फर जो है वो हमारा एक एलिमेंट है, आयरन, कार्बन ये भी एलिमेंट है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज आइटम और
एलिमेंट से भी जो छोटा होता है उसको हम लोग एटम बोलते हैं। अ सैंपल ऑफ एन एलिमेंट कंटेंट ओनली अ वन काइंड ऑफ एटम, मतलब कि अगर आप किसी चीज़ को एलिमेंट बोलते हैं तो उसके अंदर जितना भी उसका प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होगा उसको हम लोग एटम बोलेंगे। मतलब उसमें वो जितने भी पार्टिकल से बना होगा वो एक एक ही काइंड के पार्टिकल से बना होगा, और वो जो एक पार्टिकल कहलाएगा वो एटम ऑफ द दैट पार्टिकल एलिमेंट कहलाएगा। द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज रिमेंस अनअफेक्टेड बाय द फिजिकल चेंज ऑफ एन एलिमेंट, मतलब कि एटम जो होते हैं एलिमेंट के वो किसी भी फिजिकल चेंज से चेंज नहीं होते हैं। जैसे कि एन एटम ऑफ एन लिक्विड सल्फर वुड बी एग्जैक्टली द सेम ऑफ एन एटम ऑफ ए सॉलिड वेपर सल्फर, मतलब कि जो एटम जो होगा, अगर मान लीजिए एटम जो होगा वो किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी से चेंज नहीं होता है, अगर जो एटम आपके लिक्विड सल्फर में प्रेजेंट होगा वही आपके सॉलिड वेपर सल्फर में भी प्रेजेंट होगा। तो फिर हम लोग इसके मतलब एलिमेंट को जो है इसको हम लोग नॉट नो मोर देन 94 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट, मतलब कि 94 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट जो होते हैं वो हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इन द टर्म्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, और ये जो एलिमेंट है इसको हम लोग फर्दर दो टर्म्स में डिवाइड किए हुए हैं, मेटल और नॉन मेटल में। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट आर मेटल, और ज़्यादातर एलिमेंट जो है वो मेटल हैं। दिस रिमेन्स आर नॉन मेटल आर मेटलॉयड, और जितने बच जाते हैं वो नॉन मेटल और मेटलॉयड हैं। तो ये मेटलॉयड क्या होता है, मेटलॉयड पोजेज ए कैरेक्टर ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, मतलब मेटलॉयड जो होता है उसमें नॉन मेटल और मेटल का दोनों का प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, तो ये देखिए कीवर्ड्स आपके सामने कुछ दिया हुआ है। तो ये देखिए कीवर्ड्स क्या क्या, आइटम हमने पढ़ा अभी, कंडक्टर प्लस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डक्टेटिविटी, एलिमेंट्स हार्डनेस, मेलेबिलिटी, मेटल्स, मेटलॉयड, नॉन मेटल, सोंडर्स, ये सारा कीवर्ड्स है आपके लिए। और हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो मैं देखिए हम लोगों ने एक फर्दर एक बार हम लोग क्या पढ़े उस चीज़ को समराइज कर लेते हैं सारे टॉपिक्स को। मेटल आर लसरस वेयर नॉन मेटल आर नॉट लसर, ये हमने पढ़ा कि मेटल लसरस होते हैं जबकि नॉन मेटल लसरस नहीं होते। जनरली मेटल आर मेलेबल एंड डक्टाइल, मेटल जो होते हैं वो ज़्यादातर मेलेबल और डक्टाइल होते हैं। नॉन मेटल आर डू नॉट, नॉन मेटल में जो होता है वो ये प्रॉपर्टी नहीं होता है। जनरली मेटल आर गुड कंडक्टर, जनरली मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बट नॉन मेटल जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ऑन बर्निंग मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, जब हम लोग बर्न करते हैं तो मेटल किसके साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ, टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड, और क्या प्रोड्यूस करता है, मेटल ऑक्साइड विच आर बेसिक इन नेचर, और ये जो होता है ये बेसिक इन नेचर होता है। नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये एसिड इन नेचर होता है। ठीक है, सम मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस मेटल हाइड्रोक्साइड, जब हम लोग किसी कुछ मेटल को जब हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है और हाइड्रोजन गैस भी फॉर्म करता है। और नॉन मेटल जब हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट करता ही नहीं है। मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू प्रोड्यूस मेटल सॉल्ट, और जब मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये मेटल सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस, और नॉन मेटल जो है ये एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। सम मेटल रिएक्ट विथ बेस टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, कुछ मेटल जो होते हैं जब हमारा बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस रेट रिएक्टिव मेटल विथ देयर कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं। ठीक है, जब हमारा वो एक्वस फॉर्म में होते हैं तो। मेटल एंड नॉन मेटल आर यूज इन वाइडली इन एवरीडे लाइफ, मेटल एंड नॉन मेटल जो है वो हमारे एवरीडे लाइफ में भी यूज़ किया जा रहा है। सो थैंक यू, हमने इस पूरा लेक्चर में मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में पढ़ा, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें सो डैट कि आपको फर्दर पूरा लेक्चर वीडियो आपको प्रोवाइड होते रहे। थैंक यू।